हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आई एम डॉक्टर बीना सेठी और आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक, प्री मैच्योर इजैकुलेशन। प्री मैच्योर इजैकुलेशन, जिसे आप PME के नाम से भी जानते हैं, और PME एक्चुअली क्यों इम्पॉर्टेंट है डिस्कस करना, आज हम इसको देखेंगे। देखिए, आप जब रिलेशन बनाते हैं तो रिलेशन बनाना सिर्फ इसलिए नहीं होता कि आपको वो अच्छा लगता है या आपके पार्टनर को अच्छा लगता है। रिलेशन बनाने का जो इम्पोर्टेंस है वो हमारे पुराने शास्त्रों में भी लिखा हुआ है कि हमें रिलेशंस बनाना चाहिए। अगर पूरी दुनिया रिलेशन बनाना बंद कर देगी तो आप समझ सकते हैं कि दुनिया को खत्म होने में टाइम नहीं लगने वाला है। तो इसीलिए आप देखेंगे कि सबसे पहला जो इम्पोर्टेंस होता है रिलेशन बनाने का, वो होता है आपका जनरेशन को आगे कैरी ऑन करना। जिनके, मैं तो कहूंगी कि जिनके अच्छे DNA है, जिनके अच्छे कैपेबिलिटीज है, उन्हें तो ये काम रोकना ही नहीं चाहिए। क्योंकि आजकल बहुत ये चर्चा में आ रहा है कि भाई पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है तो बच्चे पैदा मत करो। नहीं, हमें जो नेचर ने दिया है, क्योंकि नेचर से ही हम पैदा हुए हैं, नेचर ने ये सिस्टम बनाया है तो कुछ सोच के बनाया है। तो हमें कभी भी ड्रास्टिकली ऐसे डिसीजंस नहीं लेने चाहिए कि हम नेचर के अगेंस्ट चले जाएं। हमें किसी ने पैदा किया है, हमें आगे पैदा करना है, तभी तो ये धरती क्या है, ग्रोथ कर रही है। इसी तरीके से जब आप रिलेशन बनाते हैं तो आपके और आपके पार्टनर के बीच में एक फ्रेंडली रिलेशन डेवलप होता है। खाली हस्बैंड वाइफ वाला रिलेशन नहीं, खाली इसको आप सेक्स से रिलेटेड रिलेशन नहीं कह सकते, बल्कि इसके बाद जो आपकी एक दूसरे से अंडरस्टैंडिंग होती है और जो हैप्पीनेस आप शेयर करते हैं, उससे जो और आपके बीच में फ्रेंडशिप बढ़ती है वो बहुत जरूरी होती है। इसी तरीके से जो आपको मेंटल सेटिस्फेक्शन मिलता है दोनों पार्टनर को, उसकी तो कोई बात ही नहीं है। कि जब आप एक अच्छे ढंग से परफॉर्म करते हैं, दोनों को जो मेंटल सेटिस्फेक्शन मिलता है वो आपको किसी भी चीज से नहीं मिल सकता। इसी तरीके से मैच्योरिटी, दोनों मेंटली मैच्योर फील करते हो और एक दूसरे को समझते हुए आप में मैच्योरिटी आती है और आप अपनी लाइफ को भी बहुत अच्छे ढंग से आगे ले जा सकते हैं। और इसके साथ आपकी फिजिकल हेल्थ तो इम्प्रूव होती ही होती है। कहते हैं जब ओवम बनता है या जब स्पर्म्स बनते हैं तो दीज टू प्रोसेसेस आर मोस्ट एनर्जेटिक प्रोसेस इन द वर्ल्ड। सबसे ज्यादा एनर्जी जो कंज्यूम होती है वो इन दो प्रोसेसेस में होती है, यानी कि जब आपके स्पर्म्स बनते हैं और जब आपका ओवम बनता है। ओवम बनते समय तो आपको पता भी नहीं चलता कि आपकी एनर्जी यूज हो रही है, लेकिन स्पर्म में आप खुद देखते हो कि आपको कितनी एनर्जी लगती है। एंड दीज टू आर द मोस्ट एनर्जेटिक प्रोसेसेस। तो इससे आपकी फिजिकल हेल्थ भी क्या होती है, इम्प्रूव होती है। अब जब आपको प्री मैच्योर इजैकुलेशन होता है तो आपकी इन सब चीजों पे क्या होता है, इफेक्ट आता है। यानी कि कई बार आप डिप्रेशन के कारण रिलेशन बनाना बंद कर देते हैं तो जनरेशन आगे कैसे चलेगी, आपका आपकी वाइफ के साथ और वाइफ का आपके साथ कैसे फ्रेंडली रिलेशन बनेगा, और आपकी मेंटल हेल्थ भी अफेक्टेड होगी, फिजिकल हेल्थ भी, और कहीं ना कहीं आपकी मैच्योरिटी भी कम हो जाती है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि प्री मैच्योर इजैकुलेशन का इन सब चीजों पर फर्क पड़ता है। तो आपको क्या करना चाहिए, डॉक्टर के पास जाना चाहिए। अब डॉक्टर के पास कब जाना चाहिए और हमें कब नहीं जाना चाहिए, इसका भी हमें पता होना चाहिए। सबसे पहली चीज, क्या अगर प्री मैच्योर इजैकुलेशन से आपकी अपनी कॉन्फिडेंस में कमी आ रही है तो आपको डेफिनेटली डॉक्टर से मिलना चाहिए। दूसरा, आपको ये लगता है कि आपके और पार्टनर के क्या है, रिलेशन के बीच में कहीं दरार आ रही है तो आपको डॉक्टर से मिलना चाहिए। तीसरा, अगर आपका पार्टनर ही आपको कह दे कि आप डॉक्टर से जाके मिलिए, आई एम नॉट गेटिंग सेटिस्फाइड, तो आपको डॉक्टर से मिलना चाहिए। और डॉक्टर से मिलने के साथ साथ आपको सिर्फ मेडिसिन के ऊपर काम नहीं करना कि डॉक्टर ने आपको मेडिसिन लिख के दे दी और आपने वो खा ली और अपने जो दिमाग में एंजाइटी रखी, टेंशन रखी, वो सब एज इट इज रखी।
नहीं, आपको पूरी की पूरी चीजों के ऊपर फॉलो करना पड़ता है। तो इसके लिए आपको जानना चाहिए व्हाट आर द बेसिक कॉजेस, कि इसके बेसिक कॉज क्या है, प्रीमैच्योर इजैकुलेशन क्यों हो रहा है आपको, सबको क्यों नहीं होता। तो ये भी आपकी एक गलत फहमी है, प्रीमैच्योर इजैकुलेशन बहुत सारे मेल पार्टनर की ये एक आज के युग में एक प्रॉब्लम बन चुकी है, और जिसको कुछ लोग नजरअंदाज करते हैं तो कुछ इसको बहुत ही ज्यादा सिंसियरली लेने लगते हैं। दोनों चीजें गलत हैं। तो आपको हमने 3 पॉइंट्स बताए, अगर उनमें से 3 कुछ भी है तो आपको डॉक्टर से मिलना चाहिए। तो आपको बेसिक कॉज पहले समझने होंगे। आपको ये नहीं देखना कि प्रीमैच्योर इजैकुलेशन हो रहा है तो मेरे रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ही कहीं कोई कमी है, नहीं, हो सकता है आपको कोई इन्फेक्शन हो। अब वो इन्फेक्शन आपको कोई वायरल इन्फेक्शन भी हो सकता है, कोई कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी हो सकता है, और कोई फंगल इन्फेक्शन भी हो सकता है, कोई एल्गल इन्फेक्शन भी हो सकता है। तो जरूरी तो नहीं कि सबकी दवाई एक ही हो। यहाँ आप क्या गलती करते हैं कि आपने लास्ट टाइम जो दवाई खाई थी या लगाई थी, आप सोचते हैं वही दवाई असर करेगी। हो सकता है पहले आपको बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो, इस बार आपको फंगल इन्फेक्शन हो। दूसरी चीज, आपके फ्रेंड ने जो दवाई खाई थी आप उसी दवाई को ले लेते हैं, केमिस्ट ने आपको जो दवाई बताई आप उसी को ले लेते हैं। नहीं, अगर आपको इन्फेक्शन है, क्योंकि ज्यादातर केसेस में क्या होता है कि रिलेशन बनाने के बाद कुछ ना कुछ जो है चंकी बटर टाइप आपकी पीनस के ऊपर लगा रह जाता है, उससे भी इन्फेक्शन हो जाता है। कभी आपकी पीएच बहुत ज्यादा डिस्टर्ब है तो भी आपको इन्फेक्शन हो जाता है, और कभी आप बहुत ज्यादा गर्म चीजें खा रहे हैं तो भी आपको इन्फेक्शन हो जाता है। कभी आपने दवाइयां खाई हैं गर्म, उससे भी आपको इन्फेक्शन हो जाता है। कभी कोई आपने हाइजीन को कंट्रोल मेंटेन नहीं रखा तो भी आपको इन्फेक्शन हो जाता है। आपको लगता है आपने अपने अंडरगार्मेंट्स धोके और सुखा दिए और आपने धुले हुए पहन लिए तो आपको इन्फेक्शन नहीं होगा। नहीं, धोने के बाद ये इंश्योर करना होता है कि वो अच्छे से सूख भी जाए। कभी आपने हल्के गीले अंडरगार्मेंट्स जो है कबर्ड में रख दिए और फिर 10 दिन बाद आपने उनको पहन लिया तो उनके अंदर तो इन्फेक्शन पैदा हो चुका है, और वही आपने अंडरगार्मेंट्स यूज कर लिए, या आपने सिंथेटिक अंडरगार्मेंट्स ले लिए, बहुत टाइट अंडरगार्मेंट्स ले लिए। अंडरगार्मेंट्स तो आपने कॉटन के लिए, लेकिन ऊपर जो आपने ट्राउजर पैंट्स जीन पहनी ये आपने बहुत टाइट या सिंथेटिक डाल ली, या आपने सर्दियों के दिनों में वुलन के कपड़े बहुत ज्यादा देर तक पहने रखे, तो इन सब चीजों से भी आपको इन्फेक्शन होता है। आपने इन चीजों को ध्यान देना है कि आपको इन्फेक्शन कौन सा है, और वो टेस्टिंग के बिना आपको पता नहीं चल सकता। ठीक है, आप अपना हाइजीन मेंटेन करिए, आप अपना पेनस को साफ रखिए, दिन में एक बार माइल्ड सोप से धोइए, लेकिन ऐसा नहीं करिए कि आप उसके अंदर तक जाके कहीं साबुन डालने की कोशिश कर रहे हैं या वॉश से आप उसको धो रहे हैं, ऐसा बिल्कुल मत करिए। दूसरा, कभी कभी आपको लोकल स्किन पे वहीं कहीं ज्यादा सेंसिटिव होती है लोकल स्किन, या आपकी जो लोकल स्किन है उसके आसपास की स्किन वो कहीं कट लग चुका होता है, या कहीं उस पे रैशेज आ चुके होते हैं किसी भी कारण से, और जैसे ही आप इजैकुलेट की तैयारी करते हैं तो उस पेन के कारण आपको बहुत जल्दी इजैकुलेट हो जाता है। तो यहाँ आपने ध्यान देना है कि जो आपका इजैकुलेशन का बेसिक कॉज है वो क्या है। अच्छा, और कभी कभी जब आप किसी के साथ फर्स्ट टाइम रिलेशन बनाते हैं, चाहे वो आफ्टर मैरिज आपकी गोल्डन नाइट हो या आप अपनी गर्लफ्रेंड के साथ पहली बार मिल रहे हैं, तो एंजाइटी से और कभी कभी एक्साइटमेंट से क्या होता है, बहुत जल्दी आपको इजैकुलेट हो जाता है। तो इसके ऊपर आपने अपना ये साइकोलॉजिकल है, आपने अपनी साइकोलॉजी को कंट्रोल करना है। इसी तरीके से कभी कभी ये आपके जेन्युइन कॉज भी होते हैं जिसमें आपको आपके जो हॉर्मोन्स हैं वो डिस्टर्ब होते हैं। अगर आपका थायराइड डिस्टर्ब है और आपको प्रीमैच्योर इजैकुलेशन हो रहा है और आप कितनी ही दवाइयां खाते रहिए, कितनी ही साइकोलॉजिकल थेरेपी लीजिए, आपको असर नहीं होगा। यहाँ आपको थायराइड को कंट्रोल करना ही होगा। इसी तरीके से अगर आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल या प्रोलैक्टिन लेवल अगर डिस्टर्ब है तो आपको प्रीमैच्योर इजैकुलेशन होगा। तो इनकी प्रॉपर टेस्टिंग के बाद ही आपको क्या करना है, ट्रीटमेंट स्टार्ट करना है। तो ये आपको हमने कुछ कारण बताए जिनकी वजह से आपको प्रीमैच्योर इजैकुलेशन होता है। तो इसमें आपको क्या क्या करना चाहिए, ट्रीटमेंट के तौर पर आपको हम क्या एडवाइस देने वाले हैं, उसमें सबसे पहली है काउंसलिंग। आप अपनी काउंसलिंग करिए, अपने पार्टनर की काउंसलिंग करिए कई बार।
आप दोनों की केमिस्ट्री अच्छी नहीं होती, आप दोनों का झगड़ा किसी और बात के ऊपर होता है, या आप दोनों के दिमाग में कोई और बात चल रही होती है, लेकिन आप रिलेशन बना रहे होते हैं, वो आपका जो बेसिक कॉज है उसकी आप दोनों ने काउंसलिंग करनी है। एक दूसरे को अगर आप पसंद नहीं करते, एक दूसरे को अगर आप टाइम नहीं देते, उसकी केमिस्ट्री नहीं देखते कि उनको क्या अच्छा लगता है, वो ये नहीं देखते कि आपको क्या अच्छा लगता है, तो आपने एक दूसरे की काउंसलिंग करनी है, एक दूसरे को सपोर्ट करना है और कोशिश करनी है कि जो आपका इजैकुलेशन टाइम है वो इंक्रीज हो। इसके लिए बहुत सारी एक्सरसाइजेस भी होती हैं, वो भी हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। काउंसलिंग के बाद जो एक्सरसाइजेस हैं उसमें कीगल एक्सरसाइजेस होती हैं, यानी कि आप ऐसा देखिए कि जैसे आप इजैकुलेट करने वाले हैं और आपने अपने आप को रोक लिया या किसी ने आपको रोक दिया, इसी तरीके से अगर आप वॉशरूम जा रहे हैं, यूरिन पास कर रहे हैं और यूरिन पास करते करते आपने अपने आप को अचानक रोक दिया, फिर आपने 1 2 3 तक काउंटिंग की, फिर आपने स्टार्ट किया, फिर आपने रोक दिया, फिर 1 2 3 तक रोक के रखा और फिर आपने किया, तो इस तरीके से आपकी मसल्स जो है कॉन्ट्रैक्ट होती है और एक्सपांड करती है। जब वो कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपांड करती है तो उनमें स्ट्रेंथ आती है, और जब वो अगर आप कोई एक्सरसाइज करेंगे ही नहीं तो आपको स्ट्रेंथ कहां से मिलेगी। सपोज आप वॉक करना बंद कर दीजिए तो आपकी टांगों की मसल्स वीक हो जाएंगी, और अगर आप अपना हाथ हिलाना बंद कर देंगे तो आपकी हाथ की मसल्स वीक हो जाएंगी। इसी तरीके से अगर आप अपने पेनिस की मसल्स को काम ही नहीं देंगे, उनसे काम ही नहीं लेंगे, उसको फॉर ग्रांटेड ले लेंगे, तो फिर वो फॉर ग्रांटेड ही रहेगा कि जब तक चल गया चल गया, नहीं चला तो नहीं चला। तो इस तरीके से आपने क्या करना है, एक्सरसाइजेस करनी है, और सबसे बेस्ट एक्सरसाइज यही है कि आप उसको कॉन्ट्रैक्ट करिए और फिर आप उसको एक्सपेंड करिए, कॉन्ट्रैक्ट करिए। आप इसको बैठे बैठे भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि वॉशरूम में जाके जब आप यूरिन पास कर रहे हैं तभी करनी है, आप अपने ध्यान को वहां लेके जाइए और आप कॉन्ट्रैक्ट करिए और फिर एक्सपेंड करिए। इसी तरीके से बिहेवियर चेंजेस करिए। आप जब देख रहे हैं कि आपको ये प्रॉब्लम हो रही है तो इसका एक बेसिक कॉज जो हमने आपको बताया कि जरूरत से ज्यादा ब्रह्मचर्य को पालन करना। कभी कभी आपकी मजबूरी होती है कि आप दोनों एक दूसरे से बहुत दूर रहते हैं, कभी आपकी घर की परिस्थिति ऐसी होती है कि आपको टाइम ही नहीं मिलता या आपको स्पेस ही नहीं मिलता, या आपका वर्कलोड ऐसा है कि आप बहुत ज्यादा थक जाते हैं रात आते आते, तो आप जो है रिलेशन बनाते ही नहीं है। तो ये आपकी सबसे बड़ी गलती होती है, ये सोचने की कि अगर मैं रिलेशन एक महीने बाद बनाऊंगा तो आई विल परफॉर्म वेरी वेल, और अगर 10 दिन बाद बनाऊंगा तो मेरी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं होगी। नहीं, आप इसकी जितनी प्रैक्टिस करेंगे आपकी परफॉर्मेंस उतनी ही अच्छी होगी। तो आप जब रिलेशन बनाते हैं तो उस समय उससे एक घंटा पहले आप मास्टरबेट करिए, 2 घंटे पहले करिए, तो आप देखेंगे कि सेकंड टाइम आपको जब आप एक्चुअल परफॉर्मेंस दे रहे हैं तो आपका जो इजैकुलेशन टाइम है वो इंप्रूव होगा। इसी तरीके से मेडिकेशन, अब आपको डॉक्टर ने मेडिसिन तो लिख के दे दी, लेकिन उसको प्रॉपरली पूरा कोर्स करना ये आपका काम है। अगर वो हार्मोनल मेडिसिन है तो उसका जितने बजे डॉक्टर ने कहा है मॉर्निंग में लेनी है, या आपने कितने मिलीग्राम की लेनी है, उसकी जो पोटेंसी है वो आपने उसी हिसाब से लेनी है। एक गलती जो मेडिसिन लेते समय आप करते हैं, एक तो सेल्फ मेडिकेशन करते हैं, वो तो गलती है ही है, दूसरा आप जरूरत से ज्यादा पानी पीते हैं और एक साथ बहुत सारी चीजें चला देते हैं, यानी कि 6 महीने तक आपने अपने ऊपर ध्यान नहीं दिया तो कोई बात नहीं, और जब ध्यान दिया तो क्या करते हैं, इंग्लिश मेडिसिन भी ले रहे हैं, आयुर्वेदिक भी ले रहे हैं, किसी ने कुछ बताया टोना टाटका वो सब एक साथ करने लग जाते हैं। ऐसा नहीं करते, आप एक बार में एक ही तरह की मेडिसिन लीजिए। अगर आप आयुर्वेदिक पे जा रहे हैं तो आयुर्वेदिक को फॉलो करिए, और अगर आप एलोपैथी पे जा रहे हैं तो एलोपैथिक को करिए, यूनानी पे जा रहे हैं तो यूनानी को फॉलो करिए, और अगर टोटको पे जा रहे हैं तो टोटको पे यकीन करिए। तो इस तरीके से एक बार में एक पे करिए, क्योंकि कई बार इनका ज्वाइंट इफेक्ट बहुत ज्यादा गलत कर जाता है, आपके साथ अच्छे की जगह बहुत ज्यादा गलत कर जाता है। तो मेडिकेशन में एक पानी का भी ध्यान रखना होता है, अगर आप बहुत ज्यादा पानी पीने लग जाते हैं तो उससे क्या होता है, जो आपने सॉल्ट लिया है मेडिसिन का वो सब वॉशरूम के साथ बाहर चला जाता है, और उसका जो इम्पैक्ट आपकी बॉडी में आना चाहिए था वो नहीं आता। तो पानी आप एक लिमिट में पीजिए, जितना आपको जरूरत है उतना पीजिए, किसी को देखा देखी 10 लीटर 8 लीटर पानी पीने का उपक्रम मत चलाइए। डाइट, इसको मैंने लास्ट में इसलिए रखा है क्योंकि मैंने डाइट के ऊपर आपसे बहुत लंबी बात करनी है। डाइट में क्या होता है, आप सोचते हैं थायराइड की कमी है,
या टेस्टोस्टेरोन नहीं बन रहा, प्रोलैक्टिन नहीं बन रहा, आखिर इनको बनाने के लिए भी तो कुछ रॉ मटेरियल चाहिए आपकी बॉडी में, और वो रॉ मटेरियल आप अलग से तो खाते नहीं है, आपकी डाइट से ही आपके अंदर जाते हैं। तो आप कोशिश करिए एल्कलाइन डाइट जितना ज्यादा ले सकते हैं, आप हमारे कहने पे एक महीना एल्कलाइन डाइट लीजिए, तो आप देखिए ना सिर्फ आप एनर्जेटिक फील करेंगे, आपका जो प्रीमैच्योर इजैकुलेशन की प्रॉब्लम है ये भी सॉर्ट आउट हो जाएगी, क्योंकि ये जितनी भी एल्कलाइन डाइट हमारे स्पेशली डिजाइन वीडियो है एल्कलाइन डाइट के ऊपर, आप उसको अच्छे से देखिए और आप उसको एक एक चीज को समझिए। आप हमने उसमें आपको मोर देन 40 आइटम बताए हैं जिनको आप अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। तो आप मिनरल रिच डाइट लीजिए, मिनरल रिच डाइट लेने से आपकी जो कार्टिलेज है जिसने इरेक्ट रहना है, जिसने आपके इजैकुलेशन में हेल्प करनी है, तो उससे डाइट से आपका स्पर्म काउंट भी बढ़ेगा, मोटिलिटी भी अच्छी होगी, वॉल्यूम भी इंप्रूव होगा, इरेक्शन भी इंप्रूव होगा और इजैकुलेशन भी इंप्रूव होगा। यानी कि आप इसको एल्कलाइन डाइट की जगह गोल्डन डाइट भी कह सकते हैं। अब इसमें डाइट के साथ साथ आपने ये देखना होता है कि ये डाइट जो है आप ले रहे हैं इसमें फिर क्या इसको आप जो रोज खाते हैं उसके साथ लेना है या उसमें से कुछ माइनस भी करना है। डेफिनेटली आप जो रोज खाते थे अब तक उसमें से जंक फूड को आपने माइनस करना है, कार्बोहाइड्रेट को आपने कम करना है, प्रोटीन को आपने कम करना है, फैट को आपने कम करना है, इम्प्रूव क्या करना है अपने फ्रूट्स सैलेड इन सब चीजों को इम्प्रूव करना है। आप इसको एक एग्जाम्पल से समझिए। सपोज ये आपकी जो है ट्यूब है जिसमें से आपका जो है सीमन होके आना है। अब एक तो ट्यूब में अगर वॉल्यूम कम है, पानी का वॉल्यूम ही कम है और सीमन कम है, तो क्या ये इरेक्ट रह पाएगी? ये नहीं रह पाएगी, थोड़ी सी देर बाद ही क्या होगी, डाउन हो जाएगी। तो इसीलिए एक तो वॉल्यूम आपका इंप्रूव होना चाहिए, वॉल्यूम के लिए आपको डाइट लेनी है, और दूसरा आपने वॉल्यूम तो पूरा डाल दिया लेकिन ये इसकी जो वॉल है ये वीक है, तो कैसे होगा इरेक्शन, कैसे इजैकुलेशन को आप मेंटेन कर पाएंगे? तो इसके लिए आपकी ये जो कार्टिलेज है वो क्या होनी चाहिए, स्ट्रांग होनी चाहिए। कार्टिलेज स्ट्रांग करने के लिए और मसल्स को स्ट्रांग करने के लिए आपने एक्सरसाइज भी लेनी है, कैल्शियम रिच डाइट भी लेनी है। आप ये सब हमारे कहने से 30 डेज यानी कि एक मंथ तक करके देखिए, आपको डेफिनेटली इसमें हेल्प मिलने वाली है। और आप अभी हम कमेंट मत करिए, वन मंथ बाद जब आपको इसमें हेल्प मिले, आपको बेनिफिट मिले, आप इस पे कमेंट करिए, और अगर आपको अच्छा लगा तो अपने फ्रेंड्स के साथ इसको जरूर शेयर करिए। थैंक यू वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट।